गुड मॉर्निंग द स्टूडेंट्स ऑफ एथ क्लास. टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ सर्विक्स, द लेजिस्लेचर, यूनियन एंड स्टेट्स. इट इज अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. इंडियन पार्लियामेंट और संसद इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द फेथ दैट इंडियंस हैव इन द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी. इंडियन पार्लियामेंट, इसको हम संसद भी बोल देते हैं, संसद भवन बोलते हैं, इज द मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है, ऑफ द फेथ, मतलब कोई भी एक्शन ऑफ फेथ, ठीक है, वो भी एक विश्वास का एक केंद्र बोल देंगे जिसको हम, दैट इंडियन हैव इन द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि हमारे इंडियंस का, हमारी जो डेमोक्रेसी की वैल्यूज़ हैं, जो डेमोक्रेसी क्या होती है उसके सिद्धांत उसके अंदर पूरा ही विसर्जित है वो. दैट इज़ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल इन डिसीजन मेकिंग इन द गवर्नमेंट. कि लोगों का, डेमोक्रेसी का मतलब है जिसमें लोगों की पूरी इन्वॉल्वमेंट होती है, वो डिसीजन ले सकते हैं और गवर्नमेंट को बना सकते हैं. पार्लियामेंट क्या होता है, इसको अदर वर्ड्स में बोला गया, इट इज अ कॉन्ग्रेशन. कॉन्ग्रेशन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव, जो भी हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने हुए हैं उनके, लोगों के ग्रुप को, उनके समूह को हम पार्लियामेंट कहते हैं. जो क्या करता है, इट मेक्स अ लॉ एंड एक्सरसाइजेस पोलिटिकल अथॉरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल. जिसने जो कानून बनाता है और लोगों के बिहाफ के ऊपर क्या करता है, पोलिटिकल अथॉरिटी चलाता है अपनी. इट इज़ ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग द नीड्स ऑफ सिटीजन्स. ये एक साधन है जिसके द्वारा लोगों की नीड्स को बताया जाता है कि लोग क्या चाहते हैं, उनकी एप्रीहेंशंस क्या हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है और वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं. फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज द फॉर्मुलेशन ऑफ लॉस. सबसे बड़ा गवर्नमेंट का फंक्शन क्या है कि कानून बनाने, एंड द सिटीजन्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो दीज रूल्स. और लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उन लॉस को फॉलो करें. द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट आर कैरिड आउट बाय द थ्री ऑर्गन्स. तीन ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, वन इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. जो लेजिस्लेचर है उसका काम क्या होता है, इट्स अ लॉ मेकिंग ऑर्गन, उसने कानून बनाने होते हैं. एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है उन लॉ को इम्प्लीमेंट करना. जुडिशरी का मतलब क्या होता है, ये देखना कि क्या उनकी पालना सही तरीके से हो रही है, विच मेक श्योर दैट दीज लॉज आर टू बी कैरिड आउट अलॉन्ग विद द रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट्स. कि इन कानूनों की जो पालना है वो सही तरीके से हो रही है, डिस्प्यूट्स को हैंडल किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा. डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. अब सेंट्रल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, स्टेट की अपनी है. इसके अंदर क्या आता है, द यूनियन लिस्ट, सब्जेक्ट्स. इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड है यूनियन लिस्ट में, सब्जेक्ट्स ऑन विच द लॉज कैन बी मेड ओनली बाय द पार्लियामेंट. इसमें वो कैटेगरीज आती हैं, वो कानून आते हैं जो कि पार्लियामेंट बनाती है. दीज लॉज अप्लाई टू द होल कंट्री. ये लॉ पूरे कंट्री में अप्लाई होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एनी लॉ रिलेटिंग टू डिफेंस, फाइनेंस, फॉरन अफेयर्स कैन ओनली बी मेड बाय द पार्लियामेंट. कोई भी लॉ जो आपके डिफेंस के कंसर्नड हो, ठीक है, कोई भी फाइनेंस के कंसर्न, फाइनेंस मैटर, फाइनेंस के रिलेटिंग को पॉलिसी बनानी है सरकार ने, फॉरेन अफेयर्स के कंसर्न को पॉलिसी बनानी है, दूसरे देशों के साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं, अपने अपने अलायंस रखने हैं, उसके कंसर्न को भी पॉलिसी बनानी, वो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट. और ये यूनियन लिस्ट में आता है. स्टेट लिस्ट में क्या आता है, वो सब्जेक्ट्स आते हैं ऑन विच लॉज कैन बी मेड ऑन बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. जिसमें जो कानून बनाए जाते हैं किसके द्वारा बनाए जाते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा बनाए जाते हैं. डिफरेंट स्टेट्स जो होती हैं उनके अलग अलग लॉज होते हैं और अलग अलग सब्जेक्ट्स भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लैंड के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, इरीगेशन के ऊपर, पुलिस के, हेल्थ केयर के, सैनिटेशन के, ठीक है, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स हो गए जिनमें हर स्टेट का अपना अपना लॉ होता है. कॉन्करेंट लिस्ट, सब्जेक्ट्स ऑन विच लॉज कैन बी मेड, ये ऐसा पार्ट होता है जिसमें वो कानून पार्लियामेंट बनाती है, कुछ कौन बनाता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन क्या है, एक कॉमन चीज़ है हमारी. लॉ रिलेटिंग टू फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, ये जो लेबर है जहाँ पे है सेम है, दिहाड़ी सेम मिलती है, ठीक है, बिजली है सेम, पावर कट है, ठीक है, कंज्यूम उतनी होती है. तो ये सारे कुछ मोटिव्स जो हैं ये किस लिस्ट में आते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं. इसको स्टेट और पार्लियामेंट दोनों हैंडल करती हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज बेटा, व्हेन बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मेक्स लॉज ऑन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट विच कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर. यदि वो किसी सब्जेक्ट के ऊपर, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कोई लॉ बनाए और वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए आपस में, वो ना मैच करते हो, स्टेट कुछ बोल रही हो, पार्लियामेंट कुछ बोलती हो, द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट टेक्स प्रेजिडेंस ओवर द लॉ मेड बाय द स्टेट. लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा किसकी मनाई जाएगी, पार्लियामेंट ने जो बोल दिया वो प्रोमिनेंट माना जाएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा. द यूनियन लेजिस्लेचर,
द यूनियन लेजिस्लेचर इज ऑल्सो नोन एज द पार्लियामेंट, इसको भी हम पार्लियामेंट बोलते हैं. इट इज़ द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द नेशन, ये सबसे बड़ी बॉडी होती है हमारी लॉ बनाने की. इट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सिंबल ऑफ अवर डेमोक्रेसी, हमारी डेमोक्रेसी का भी बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है ये. द लोकसभा जिसको हम लोअर हाउस बोलते हैं, द राज्यसभा जिसको हम अपर हाउस बोलते हैं, एंड द प्रेजिडेंट टुगेदर फॉर्म द पार्लियामेंट. लोकसभा, राज्यसभा और प्रेजिडेंट को मिलाकर क्या बनता है, हमारा एक पार्लियामेंट तैयार होता है. बेटा आज का टॉपिक हमारा यहीं तक है. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.